हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आज टेक चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर्स अपने विंडोज 10 में, या फिर आपका विंडोज 7 है, या फिर आपके पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आपके पास कोई भी सिस्टम है, आपको किस तरीके से अपने सिस्टम में ड्राइवर्स को जो है इंस्टॉल करना है पूरा डिटेल में जो है इस वीडियो में बताऊंगा। डाउनलोड कैसा करना है वो भी जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आईजीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों पहला तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आपको जो है डायरेक्ट वहां से जाना है। वहां पे जाने के बाद में जो है आपको यहाँ रियल टेक की ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आ जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है पेज मिल जाएगा, पीसी ऑडियो कोर्स करके जो है बताया, हाई डेफिनेशन ऑडियो कोर्स सॉफ्टवेयर करके जो है यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो आपको जो है इन दोनों में से जो है ले लेना है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो हिसाब से जो है आपको इसमें से दो में से ले लेना है। यहाँ पे जो है आपको विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 के जो है ड्राइवर्स मिल जाएंगे, 32 बिट के, 64 बिट के। यहाँ पे विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, यहाँ पे भी जो है आपको सब कुछ जो है मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो है सीधा से यहाँ पे जो है मेरा 62 बिट का है, यहाँ पे जो है इस सेकेंड वाली लिंक पर जो है मैं इंस्टॉल करूँगा, यानी कि मेरा विंडोज 10 है और जो है मेरा 62 बिट का है। तो आपका 32 बिट का है तो ये ले लीजिए, 64 बिट का है तो ये ले लीजिए। मेरा विंडोज 10 है, आपका विंडोज 7 होगा तो भी जो है ये ले सकते हैं आप, अगर 62 बिट का अगर आपका पीसी होगा तो आपको सिंपल इस पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो है आपको जो है सेकंड पेज में आ जाएगा, आपको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट पर जो है क्लिक करना है। आपको जो है यहाँ पे एक जीमेल आईडी जो है ऐड करनी है, यहाँ पे डाउनलोड दिस फाइल करके जो है क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप जो है कैप्चर भर दीजिए। कैप्चर में जो है यहाँ पे आ चुका है तो इसका आंसर जो है लिखना पड़ेगा आपको। लिखने के बाद में जो है यहाँ पे आपको गो पर क्लिक कर दीजिए तो आपको स्टार्ट डाउनलोडिंग पर आ जाएगा। तो स्टार्ट डाउनलोडिंग पर जो है यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। 252 MB का जो है आपको ये जो सॉफ्टवेयर जो है ये ड्राइवर जो है आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है ये जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा जो है पहले से मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है आ जाएगा। ये जो है मैंने जो डाउनलोड किया था ये फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि मैंने पहले से डाउनलोड किया था तो आपको जो है इस तरीके से फाइल जो है मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद में जो है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो है इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, फिर भी जो है मैं आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में जो है यहाँ पे पूरा जो है प्रोसेस लेगा इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल करने के बाद में जो है आपको जो है एक टाइम पी सी जो है शट डाउन करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो है अपना पे जो है ऑटोमेटिकली जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट मार दीजिए। नेक्स्ट मारने के बाद में जो है आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो रहा है। इस तरीके से होने के बाद में जो है आपको इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पे फिनिश पर दिखा रहा है। यहाँ पे जो है एक ऑप्शन पूछ रहा है, यस आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट माई कंप्यूटर नाउ करके बता रहा है। लेकिन मैं अगर इसको कर देता हूँ तो मेरा जो है स्क्रीन रिकॉर्डर जो है बंद हो जाएगा, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। आप जो है यस पर क्लिक करके फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। तो इंस्टॉल करने के बाद में जो आपको पीसी जो है रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको जो है रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे विंडोज़ की पर जो है क्लिक करना पड़ेगा राइट में। राइट क्लिक करने के बाद में जो है आपको डिवाइस मैनेजर पर चले जाना है। डिवाइस मैनेजर में आपको जो है साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर करके मिल जाएगा, उसके यहाँ पे एरो है, उस पर जो है क्लिक कर देंगे तो आपको जो है रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो करके जो है यहाँ पे बता रहा है आपका जो है ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो आप जो है इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है मैं बताऊँगा आपको कि आपको जो है यहाँ पे ऑडियो पर राइट क्लिक कर दीजिए और जो है यहाँ पे साउंड पर जो है क्लिक कर दीजिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में जो है यहाँ पे रियल टेक का जो है बता रहा है, रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो करके जो है बता रहा है। तो आपका जो है ड्राइवर जो है सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है और जो है डाउनलोड भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है देखते रहिए आईजी टेक चैनल।